तो गाइस बस बात इतनी है, मेरी तैयारी हो चुकी है। आई एम गोइंग टू ऋषिकेश, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे, वहाँ की गलियाँ, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और भेजने में 2 ही मिनट है, तो ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, वरना वो सुनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राइड। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तारिक आरिश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्पिंग बाइकर व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो वो पड़ेगा हमारा, आई डोंट नो कितना एग्जैक्टली, बट नियर अबाउट 70 से 80 किलोमीटर का वो राइड रहेगा हमारा, वन साइडेड। सो टोटल हमारा जो राइड रहेगा वो तकरीबन 200 किलोमीटर का रहेगा आज का। तो 200 किलोमीटर राइड के लिए बिल्कुल रेडी रहिए और मैं लेके चलता हूँ आपको ऋषिकेश और दिखाऊँगा आपको वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और बहुत ही प्यारा सा एक ब्रिज है वहाँ पर, जिसको आप बहुत फेमस है, काफ़ी लोग जानते हैं, वो ब्रिज भी दिखाऊँगा। और मैं पूरे 8:02 पे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं अपने टाइम पर हूँ। दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद। वो फिर मुझे कॉल कर रहा होगा, वो तो पक्का है मेरी तरह। कल लगा अरे भाई 8 बज गए यहाँ पे, भाई मैं भी तो 8 बजे आ गया हूँ पूरे। तो इसे कहते हैं टाइमिंग। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग किसी काम से नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं और पूरा मजा आने वाला है आज, क्योंकि मतलब ये मेरा फर्स्ट राइड है ऋषिकेश के लिए। मतलब आज से पहले मैं कभी गया ही नहीं हूँ और मैंने लक्ष्मण झूले के बारे में काफ़ी सुना है। तो गाइस मुनीर आ चुका है और हमने बिल्कुल सही टाइमिंग किया, बट अभी भी 5 मिनट लेट हो चुके हैं। तो देखो ऑब्वियस होता है, सब लेट हो ही जाते हैं। तो अब फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से और बस हेलमेट लगाते हैं अपने। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुड़की में और हमारे राइड में आप देख सकते हैं IIT रुड़की। और यहां से सीधे हम जाते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार, और उसी रोड से जाते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। कार्य पूजा के साथ साथ पेट पूजा भी जरूरी है, तो स्पेशल पराठा भी सही है अचार। भूख तो बहुत खतरनाक वाली लग रही है। तो हम लोग रुके हैं यहाँ नाश्ते के लिए, नाश्ता, और क्योंकि हम हरिद्वार पे लगभग एंट्री हो गई है हमारी, 2 किलोमीटर के बाद हम मेन सिटी में पहुँच जाएंगे। तो बस यहाँ से लगेंगे लगभग 15+5 मिनट, यानी 20 मिनट में हम सीधे हरिद्वार। ऋषिकेश में होने वाली है एंट्री। और तो गाइस एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं सामने, और देख रहे हैं आप पहाड़ इधर भी है इधर भी है। इन पहाड़ों के उस तरफ अगर मैं बात करूं तो हमारा 13 दिन पड़ेगा, और इस तरफ अगर हम बात करें तो हमारा ऋषिकेश। और जल्दी पहुंचने वाले हैं हम लक्ष्मण झूला पे। हमारी एंट्री हो रही है ऋषिकेश में, यहाँ से एक राइट एंड देन वी आर इन ऋषिकेश। तो बस एक राइट मारना है और बस लक्ष्मण झूला भी पास में ही है। तो दोस्तों सामने की जो पहाड़ है बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और मन को लुभाने वाला, हाइट भी बहुत अच्छी है। बट अभी गर्मी
आ गई है, तो इतना मौसम उतना नहीं मिल पा रहा है, मौसम बहुत गर्म हो रहा है। आधे घंटे से ना इतना ट्रैफिक है भाई, इतना ट्रैफिक है कि पसीना बहुत गहराइयों तक से आ गया, और अभी भी चल ही रहे हैं। मतलब कहाँ है भाई ये लक्ष्मण झूला, समझ में नहीं आ रहा है। और ये ना रेस भी लग रही है यहाँ पर ना भाई को, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। देखना है कि हमें बाइक कहाँ खड़ी करनी है, तो यही हमारा मेन उद्देश्य है। सबसे पहले हमें देखना है कि वेयर टू पार्क माय बाइक राइट नाउ। भाई पार्किंग किधर है? पार्किंग फाइनली गाइस, वी हैव रीच्ड लक्ष्मण झूला एंड वी आर एंटरिंग राइट नाउ। सो इट्स वेरी हाई एंड इट्स वेरी लॉन्ग, यू कैन सी सो मेनी पीपल्स ऑन द Chula. Oh my god. Wait. Oh my. Singing. आज महसूस हो रहा है पटना कैसे कह रहा हूँ। अच्छा है ना, चल मेरे दो चार तस्वीरें लेना। हिल रहा है ना, हिल रहा ना। तो गाइस चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। तो ये है लक्ष्मण झूला और कुछ इस तरह से इसकी रूपिंग की गई है। सामने का पहाड़ और नीचे बोटिंग हो रही है, तो लोग ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ पर। हम भी थोड़ा थोड़ा सा लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं, और सच कहूँ तो थोड़ी सी फट रही है इधर। अपनी लाइन में रहें भाई, देखो कानून का उल्लंघन ना करें। कुछ ऊपर चला सकते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे अलाउड है। भाई कितनी भीड़ है देखो, ओ भाई सो मेनी पीपल। तो गाइस आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर लक्ष्मण ब्रिज, इस पर खड़े होकर थोड़ी पड़ रही है, मुझे कोई वो नहीं हो रहा है कहते हुए, शर्म वगैरह नहीं आ रही है क्योंकि वाकई फट रही है। मीर साहब आपकी मतलब आप देख सकते हो स्विंगिंग कितना ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ही स्विंगिंग हो रहा है भाई। 360 व्यू अभी हम लोग लक्ष्मण झूले पे झूल लिए हैं, तो क्यों हमें लगा क्यों ना हम राम झूले पे भी झूले, क्योंकि राम जी हमारे से नाराज़ ना हो जाए इसलिए हम राम झूले पर भी जाएंगे और उधर से ही हम निकलेंगे घर की ओर वापस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं राम झूले पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब बस इसको ब्रिज को करना है क्रॉस और पहुंचना है इस पार से उस पार। बचाओ बचाओ भाई, यो क्या हो गया भाई, वो पर चढ़ गई चढ़ गई। तो गाइज ये है अपना लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण नहीं राम झूला, सॉरी राम झूला। यो 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 हरी सिंह, you know, so crowded, so many people are here and you can see this amazing view from here. Oh my gosh, mujhe aisa lag raha hai hamari bike mein puncture hui kaba, almost middle mein ho gaye, hum pahunch gaye hain bridge ke almost। Mata ji please hat jaiye yahan se, thodi problem ho rahi hai logo ko। तो भैया बस यहीं से उस पार निकलते ही हमारा व्लॉग हो जाएगा एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेलमेट पहनें, राइड सेफ,
पॉलिटिक्स से दूर रहें, पड़ोसियों का ख्याल करें, गरीबों से प्यार करें, और जय हिंद जय भारत।